Adobe Premiere Pro 2023 की क्लास नंबर 18 है और आज हमने एक तो टाइप टूल वो सीखना है, फिर लोअर थर्ड वो भी सीखना है, वो कैसे होते हैं। लोअर थर्ड जो है आप जैसे हमने क्रोमा की में किया था उस तरीके के साथ भी आप कर सकते हैं, और थोड़ा सा हमने और क्या करना है, कुछ थोड़ी सी वो ड्रामेबाजियां करनी है। तो मैं आ चुका हूँ जी एडिटिंग सेक्शन में, और एडिटिंग सेक्शन में आने के बाद जी यहाँ पर अगर आप देखिए तो पहले तो मैं इसकी ऑडियो करता हूँ फारग, और ये ऑडियो होगी फारग। अच्छा, ये मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई थी काफ़ी पहले और पुराने चैनल पर अपलोड थी, लेकिन अभी इसको मैंने दोबारा से करना है। अच्छा, एक तो है जी हमने इसके टाइप टूल करना है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये है जी नीचे टी लिखा हुआ है, तो टी का मतलब होता है टाइप। तो हमने इसमें क्या करना है, अगर तो हमने सिंपल यहाँ पर एक नाम लिखना है नीचे, जैसे अभी यहाँ पर जो तो लिखा आ रहा है, मैं इधर आके नाम लिखता हूँ, बल्कि चले इधर ही आके नाम लिखता हूँ। और मैंने सिंपल इसको क्या करना है, ये एक होता है, ये है फोटोशॉप में, आपको पता है तो फिर पता ही होगा कि क्या होता है, यानी इस तरह लिखेंगे तो सीधा लिखे जाएगा और ये सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर से नीचे लिखा जाएगा। तो पहले मैं इस तरह लिख लेता हूँ, इस तरह लिखने के बाद मैंने यहाँ यानी लिखा नहीं, मैंने भी क्लिक किया है ये वाला, क्लिक करके मैंने सिंपल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर लिखना है ये देखिए इस तरीके के साथ। अब ये देखिए नाम ऊपर से नीचे लिखा आ गया है और इसकी एक लेयर भी अलग से बन चुकी है, और ये हो गया जिसकी एक लेयर अलग से बन चुकी है। तो इसको मैं करता हूँ जी फारग। अब मैं जो पहले होता है टाइप टूल, एक है वर्टिकल था और दूसरा टाइप टूल, इधर आता हूँ यहाँ पर लिख लेता हूँ जी नाम, ठीक है। तो ये नाम लिख दिया और यहाँ से हम मूव टूल सेलेक्ट करते हैं और मूव टूल के जरिए हम इसको इसकी क्या करते हैं जी छोटा या बड़ा जैसे भी हम करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको डिजॉल्व में हमने इंटर कराना है, यानी अभी यहाँ पर ये देखिए तो ये एकदम से आ गया, तो हमने कंट्रोल डी करना है, ये इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल डी, तो ये देखिए डिजॉल्व में आ गया। अब ये आहिस्ता से आया है और इसमें हम मजीद भी कुछ ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हैं, यानी अभी मैं ट्रांजिशन में आते हैं, और ट्रांजिशन में आने के बाद जी मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ जी कोई इस तरीके के साथ आ जाए, पेज पील, पेज पील को मैंने ऐसे सिलेक्ट किया और अब ये देखिए नहीं गलत हो गया, ये करके देखते हैं ये आ गया ठीक। तो इस तरीके के साथ हम जरा थोड़ी सी ड्रामेबाजियां करके कर सकते हैं, और भी इसमें आप जरा ट्रांजिशन मुख्तलिफ अप्लाई करके देखें, या जैसे एडिटिव डिजॉल्व है तो ये थोड़ा सा पहले ब्राइट होता है, अभी थोड़ी इसकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, चले आप ये हो गया जी। अच्छा, ये तो हो गया जी सिंपल सा। फिर जो लोअर थर्ड हमने सीखा था, लोअर थर्ड में भी हम क्या कर सकते हैं कि मैं आता हूँ जी ए बी आई एंड बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन, और यहाँ पर हमने लोअर थर्ड, मैं लोअर थर्ड मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है और इसको मैं कर देता हूँ जी अनलिंक, अनलिंक कर दिया और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, और यहाँ पर ये यह देखिए ये एक लोअर थर्ड बना हुआ है, और ये मैंने चूँकि अभी ये फुल एच डी है, यानी 1920x1080 है, जबकि जो मेरी जो इस टाइम मैं जिस सीक्वेंस में काम कर रहा हूँ ये फुल एच डी नहीं है, 720p है, और कौन सा है जी ये सीक्वेंस सेटिंग में आते हैं जी, हाँ 1280x720। तो इसको अगर हम करना चाहें तो इसको हर आगे इसका होगा, जैसे अब ये ग्रीन स्क्रीन है, यहाँ से आएगा जी ग्रीन स्क्रीन की तरह से आएगा ये, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल के किया कट किया और इधर ले आया, और ये पहले यहाँ पर अपीयर हुआ, और इसको मैं थोड़ा सा कहाँ तक जाता है पहले वो मैं वो देख लूँ, ये काफ़ी आगे तक जा रहा है तो मैं इसको यहीं पे इसको ख़त्म कर देता हूँ कंट्रोल के डिलीट, और ये देखिए अब मैंने ये नाम इसके अंदर इसको दिखाना है, ये कर दिया, इसको थोड़ा सा हमने छोटा कर लिया और इसको बिल्कुल हमने क्रोमा करना है, क्रोमा करने के लिए हमने आपने आना है जी अल्ट्रा की में, ये ULT नहीं ये भी YLT लिख दिया ULT, ये आ गया जी अल्ट्रा की, और इसको हमने इसके ऊपर अप्लाई किया और यहाँ पर हमने इसका लिया आई ड्रापर। तो ये देखिए इस तरीके के साथ आप कर सकते हैं, फिर बाकी हमने इसको थोड़े से एडजस्टमेंट करनी है कि हमें थोड़ा साइड पे रखना है या किधर रखना है, पहले नाम को मैं इधर करता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको इधर ले आता हूँ। ये आप लोअर थर्ड आप यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं, या और की कई काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको फ्री में ये मिल जाएंगे लोअर थर्ड,
तो इस तरीके के साथ हम इसमें अपना लोअर थर्ड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया जी ये वाला। और अब हम थोड़ी सी इसमें ड्रामेबाजी और करते हैं। वर्क स्पेस में थोड़ा सिलेक्ट करने लगा हूँ अपना, किधर गया जी, इफेक्ट कैप्शन एंड ग्राफिक्स। अच्छा कैप्शन एंड ग्राफिक्स में आते हैं, मुझे देखे पसीना भी इतना ज्यादा आ रहा है। अच्छा यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, और वैरायटी क्या है, जैसे अभी ये देखिए, ये मैं हमारे पास बने बने बनाए कुछ प्रेजेंट्स हैं जो बाय डिफॉल्ट आते हैं, और इसमें कुछ देख लेते हैं। जैसे ये आपने मूवी के एंड में आपने देखा होगा, मैं इसको थोड़ा पहले इधर कर देता हूँ जी, स्क्रीन थोड़ी बड़ी करता हूँ, ये और ये देखिए ऐसे आपको, बल्कि ये भी ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये देखिए आपके पास काफी सारे, ये आमतौर पर जब एंड स्क्रीन होती है, यानी जब कोई भी प्रोग्राम खत्म हो जाता है, बढ़ नहीं जाता बल्कि खत्म हो जाता है, तो उस टाइम हम ये सारी जो है ना, ये हम आप इसको आप जैसे कंपनी नाम है, मैं कंपनी नाम दे देता हूँ हाक, और वी आई एस आई ओ एन हाक विजन, ये पता नहीं क्या लिखा गया। फिर इस तरह यहाँ पर ये देखिए ये सारे के सारे आपको बता रहा है ये हाक विजन है, ये नाम चेंज करना चाहें आप उसको सिलेक्ट कर लें, यार ये कर दिया। फिर इसमें से आप यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं, ये कर दिया जी, ये हैरा बने बनाए आपको मिल जाते हैं। मैं दोबारा आता हूँ जी मूव टूल पे, और इसको मैं यहाँ से करता हूँ जी डिलीट, और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा और ब्राउज पे आता हूँ, और ब्राउज में आने के बाद यहाँ पर भी हम लोअर थर्ड दे सकते हैं। अच्छा ये लोअर थर्ड दिया, और इसको देखते हैं क्या ये एनिमेट हुआ है। हाँ जी ये एनिमेट होके आया है, यानी इसके अंदर जो एनिमेशन है वो बाय डिफॉल्ट है। अब इसका ये इमेज कैप्शन, इसको सिलेक्ट करते हैं और इधर आते हैं, इसी को डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी हम नाम दे सकते हैं, ये भी लोअर थर्ड आप इसके जरिए बना सकते हैं। हम ब्राउज में आते हैं, कुछ और एक दो देख लेते हैं। अब जैसे एक ये लोअर थर्ड, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, और ये क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है जी कि आपका जो है ये क्या है, इसको मैं सीक्वेंस सेटिंग में इसको कर लेता हूँ जी 19:20x10:80, और इसको करता हूँ ओके, क्योंकि वो जरा 19:20x10:80 के हिसाब से ये सारी बनी हुई है। तो मैंने जो अभी पीछे जो कलर ग्रेडिंग की क्लास बनाई थी उसमें थोड़ा सा मैंने एक रखा था, क्योंकि जरा प्रीमियर स्मूथ चले तो इसलिए मैंने छोटे क्लिप रखे थे। अच्छा इसको मैं पहले आके इसको तो मैं ऐसे करता हूँ जी, ऐसे ये गलत हो रहा है, इसको मैं पहले इधर करता हूँ, इसको इधर करता हूँ, आप इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इसको करता हूँ जी स्केल टू फ्रेम साइज, और स्केल टू फ्रेम साइज यहाँ पर नहीं हो रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ, और इनको मैं करता हूँ जी ये वाला था, और ये भी हम दोबारा नए सिरे से कर लेते हैं, ये वाला हमने उठाया और यहाँ पर लगा दिया, और ये देखिए जी अब इसको थोड़ा सा मैं चला के दिखाता हूँ, थोड़ा सा ये एकदम जंप मारा है, लेकिन यहाँ से थोड़ी बहुत इसमें एनिमेशन मौजूद है। तो अब ये वाला जो टेक्स्ट है, ये भी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ है रेडी प्लेयर, तो यहाँ पर ये देखिए ये, तो ये भी यहाँ पे लिखा आ रहा है रेडी प्लेयर, तो इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद देखिए तो यहाँ पर ये लिखा आ गया, और अब इसकी थोड़ी सी पोजीशन भी हम चेंज और साथ खेलते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ये रेडी प्लेयर को हम और क्या क्या कर सकते हैं जी, ये है जी एजेंसी एफ बी, ये इसके फॉन्ट हैं, फॉन्ट चेंज कर दिया, फिर इसके जो कलर्स हैं, जो इसकी जो लोअर थर्ड लगी हुई है इसके कलर्स भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम रेड कर देते हैं, ओके करते हैं। अच्छा ये कौन सा हुआ है, हाँ जी रेड हो गया, ये देखिए को मेरा कंप्यूटर छोड़ा डिस्प्ले थोड़ा सा लेट देता है, और बाकी ये रेडी सेट और प्लेयर वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिखता हूँ INSTRUCTOR इंस्ट्रक्टर, ये क्या लिखा है, जो भी लिखा है लिखा गया है, तो ये देखिए ये लिखा गया है। अब बाकी इसकी जगह चेंज करने के बारे में मुझे थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, और मैं देखता हूँ अगर यहाँ पर इसको मेरे पास कोई ऑप्शन मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो चले कोई मसला नहीं। और ये आपको किसी वेबसाइट्स के साथ भी ना मिल जाते हैं, इसके साथ हम खेल के देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे तो हर ऐसे इनकी कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है। तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद ये आ गया जी ग्राफिक्स में,
और ग्राफिक्स में, बल्कि मैं इफेक्ट कंट्रोल में आता हूँ। इफेक्ट कंट्रोल में आके देखता हूँ कि कुछ सेटिंग है या नहीं। इफेक्ट कंट्रोल में मुझे इसकी कोई सेटिंग मुझे तो नहीं नज़र आ रही, अलबत्त ये सिर्फ आज की ऐसी छोटी सी एक क्लास थी, यानी कि इस तरह भी आप कर सकते हैं। बस कुछ और देख लेते हैं, इसी के ऊपर मैं ये भी लगा देता हूँ और इसकी पोजीशन भी हम चेंज कर सकते हैं, यानी एक हमने इधर कर दिया या इधर कर दिया, इसकी थोड़ी पोजीशन इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, वो शॉर्ट नहीं किया, थोड़ा सा स्मॉल कर दिया, छोटा कर दिया। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको डबल क्लिक किया और यहाँ पर आके हमने ऐसे कर लिया। हाँ जी, तो ये हो चुका है जी। यहाँ पर भी हमने वही है, ये रेडी प्लेयर लिखा आ गया तो इसको हमने ये वाला नाम दे दिया और ये थोड़ी देर तक यहाँ पे डिस्प्ले हो गया और ये देखिए ये डिस्प्ले हो चुका है। फिर इसी के आगे इस तरह फिर इसकी जो कलर शलर है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एनिमेटेड स्पीड, अच्छा ये एनिमेटेड स्पीड है, और करके देखते हैं क्या हुआ है। बस ये मेरे पास डिस्प्ले इतना नहीं आ रहा, तो ये तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और या आप इस पर प्रैक्टिस करें, और भी इसमें काफ़ी सारी हैं। अब जैसे ये न्यूज़ का मिल गया जी, इसको हम जरा वैसे इधर देखता हूँ। ये हो गया, वो तो सिर्फ न्यूज़ का एक बना हुआ था एनिमेशन। अब न्यूज़ इंट्रो को मैं प्ले करके दिखाता हूँ। अच्छा, न्यूज़ इंट्रो इसको हम कर सकते हैं जी। यहाँ पे स्पिन लिखा है तो ये स्पिन में हाथ लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ जी VISION विजन। ये विजन भी नहीं, ये विजन लिख दिया है। तो इस तरीके के साथ हम थोड़े बहुत अपने इंट्रो भी, जो कि बिल्ट इन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्रीमियर प्रो 2023 में आ रहे हैं, वो हम कर सकते हैं। और यहाँ से भी हम इसके कुछ और भी कर सकते हैं, ये भी देख लेते हैं क्या है। मैं इसका थोड़ा सा कम कर देता हूँ और इसके साथ आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से देखिए आपके साथ क्या क्या सीख सकते हैं। और मेरे ख्याल में तो आज इतना ही काफ़ी है और अगली क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि इसको बस प्रीमियर का कोर्स यहीं पे ख़त्म कर दूँ और फिर जो थोड़ी बहुत इसके एक्स्ट्रा डोजेज होती हैं वो बनाता रहूँगा और इसमें और भी कुछ मैं देख लूँ, अगर कुछ रह गया है। मैं यहाँ पर एक कर देता हूँ जी, यहाँ पर एक कर देता हूँ। अच्छा, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने से क्या हुआ जी, ये ग्राफिक्स में आ गया है। अच्छा, ये ग्राफिक्स यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। ये कैप्शन ये हो गया और ये सारे चेंज हो गया। चलिए ठीक है, ये हो गया जी। और इसमें कुछ ख़ास बात, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रही तो वो पूछ सकते हैं। ये ट्रांसकैप्शन सीक्वेंस कैप्शन, और ये जी मुझे तो इससे मारा पसीना, तो लिहाजा मैं ये वीडियो यहीं पे वाइंड अप करूंगा और आखिरी वीडियो आप बनाऊंगा जिसमें होगी रेंडरिंग। और मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है।